कल विपक्ष के साथियों और आरजेडी की विधायकी के द्वारा लड्डू हम लोगों के निकट लेकर आया गया, हमें लग रहा था जो फूड प्वाइजनिंग वाला लड्डू है। डॉक्टर ने कहा है को घी नहीं पचता है, कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। अरे तो हाथी पर चढ़ के आए थे श्रीमान लालू जी, अब फिर सजाए नहीं काटे, भरम जाल में है। सियासत में जाति पर, धर्म पर, मंदिर और मस्जिद पर सियासत होती रही है, लेकिन बिहार की सियासत में लड्डू पर राजनीति हो रही है। जी हाँ, सियासत के केंद्र में लड्डू है। दरअसल आपको बता दें, लैंड फॉर जॉब मामले में जमानत मिली लालू यादव के कुनबे और इधर बिहार विधानसभा में बिखरे लड्डू की इज्जत तार तार हो गई है। जमानत की खुशी में लड्डू बांटे जा रहे थे, लड्डू का थाल जैसे ही भाजपा खेमे में पहुंचा, भाजपा को न गवार गुजर गया। इसके अगले दिन आज बिहार की सियासत में ये चर्चा हो रही है कि लड्डू किस जानवर को पचता है और किसे नहीं। ये जानता हूँ, डॉक्टर ने कहा है को घी नहीं पचता है, कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन ये आप बगैर जाने ये कैसे ट्वीट किया है? कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ। को घी नहीं पचता है, तू घी के लड्डू था, हो सकता है कि जो अपने आप को समझता है वो नहीं खाया होगा। आप कह रहे हैं वो घी का लड्डू है, वो कह रहे हैं कि वो जहरीला लड्डू था। ये था कि जो भी अन्नपूर्णा का अपमान करता है वो जनता का क्या सम्मान करेगा। अन्नपूर्णा का अपमान ये देश का अपमान है और इसलिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। अब लड्डू बिखेरने वाली भाजपा कह रही है कि हम तो गाय को मारने वाले लोग हैं, जो लोग गलत बातें करते हैं उनका आखिर क्या होगा। लड्डू नहीं इसको की मानसिकता है, वो की बात करेगा। विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा, लड्डू और पानी वाले पर भी निंदा व्यक्त किया, तो जैसी सोच वैसी बात करते हैं, ये तो ज्ञान का अभाव है। ट्वीट भी किया है और अब भाई वीरेंद्र कह रहे हैं क्या हैं वो लोग। अरे तो हाथी पर चढ़ के आए थे श्रीमान लालू जी, अब फिर सजाए नहीं काटे, भरम जाल में है। अब पूरा डंका बजा के, बैंड बजा, हाथी पर सजा के चढ़ा के ले आए थे, कोनों में बाकी लगा, सब में सजाए काटे हैं। तो देखते चलिए आगे क्या होता है। न्यायालय के जो कारगुजारी है, सरकार का चक्का, न्यायालय का चक्का धीरे धीरे चलता है, बहुत बारीकी से पीसता है। जो श्रीमान लालू जी भोग रहे हैं उससे थोड़ा वो उनसे पूछिए जाकर कि उनको क्या गुजर रहा है। देखिए, जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव जी और उनके परिवार को केवल जो है मोचालिका पर छोड़ा गया है, बाउंड बनाकर छोड़ा गया है, उनको जो है सजा मुक्त नहीं हुए हैं, इसलिए चिंता मत करें। वो सस्ती लोकप्रियता और सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए लड्डू बांटना, लड्डू के माध्यम से लोगों को मजाक उड़ाना, ये बंद करें। हम लोगों को शक है, जिस प्रकार कल विपक्ष के साथियों और आरजेडी की विधायकी के द्वारा लड्डू हम लोगों के निकट लेकर आया गया, हमें लग रहा था जो फूड प्वाइजनिंग वाला लड्डू है, और एक जिस प्रकार से उनका एक साजिश था, निश्चित रूप से इसकी जाँच होनी चाहिए। बहरहाल कहावत है, भरपेट भोजन करके भुखमरी पर भाषण देना। पूरे दिन सदन के अंदर लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा और मर्यादा पर भाषण होता है, लेकिन कथनी और करनी, आदर्श और यथार्थ में कोई भी मेल नहीं दिखता।